नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन, सेंट्रल डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग विचार करेंगे वर्चुअल जमीन पर राजनीति। आज का जो दौर है वो मोबाइल का दौर है, आभासी दुनिया का दौर है, फैक्चुअलिटी से बहुत दूर, यथार्थ से बहुत दूर, और एक आभास की दुनिया में हम जीने लगे हैं। और हमारे इस जीने के रुझान को राजनीतिक दलों ने समझ लिया है और वो आभास की दुनिया में ही आने वाली पीढ़ियों को उलझा कर रखना चाहती है ताकि उसे जमीन का एहसास न हो। आप ये मानेंगे और आप ये समझेंगे और आप जो हमारी जो लगातार डिबेट्स हो रही हैं उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम कुछ ऐसे ही विषय चुन रहे हैं और उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं जो आपसे यानी दर्शक दीर्घा से, जनता दीर्घा से जुड़ी हुई हों, सीधे जुड़ी हुई हों। हम बातचीत में उतरें उसके पहले वक्ताओं से आपका परिचय कराते हैं। हमारे बीच सामाजिक चिंतक, जब तक तस्वीरें आएंगी आ गई, हमारे बीच सर्वेश चंद द्विवेदी जी, सामाजिक चिंतक, प्रखर लेखक, विचारक हमारे बीच मौजूद हैं। आज उनको मैंने विशेष तौर पे इस डिबेट के लिए आमंत्रित किया है। सर्वेश चंद जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे बीच प्रसपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी मौजूद हैं। अरविंद सिंह जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की प्रवक्ता सदब जाफर जी हमारे बीच हैं। सदब जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच विसल ब्लोअर नंदलाल जायसवाल जी मौजूद हैं। नंदलाल जी, आपको भी खास तौर पे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है, आप अपने अनुभवों को बांटेंगे हमारे साथ, आपका स्वागत है। हमारे बीच सामाजिक चिंतक और जो बाल मनोविज्ञान और युवा मनोविज्ञान के बड़े ही जानकार और विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद चंद्रा जी, डॉक्टर साहब को खास तौर पे इस डिबेट के लिए बुलाया गया, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। हमारे बीच भाजपा के प्रवक्ता जेपी पांडे जी मौजूद हैं। पांडे साहब, आपका स्वागत है। आपने जैसा सुना, मैं थोड़ा विषय में एक जो वो रोजाना का चलन है, अब तो डिबेट रोजाना का चलन है और इस रोजाना के चलन में एक सूत्रधारी भूमिका मेरी होती है, मैं बहुत ही शीघ्र आपको थोड़ा एक भूमिका बता दूं कि आपने एक खबर देखी होगी और आज वो खबर कई अखबारों में छपी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में करीब 8 से 10 करोड़ नए मतदाता आएंगे जो वोट डालेंगे, यानी 10 करोड़ बिल्कुल ही वैलिड नागरिक बनकर हमारे बीच, हमारे इस लोकतंत्र में शामिल होंगे, लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल होंगे। यह पीढ़ी वर्ष 2000 और 2001 में पैदा हुई है। यह पीढ़ी, इस पीढ़ी का पदार्पण इस पृथ्वी पर वर्ष 2000 और 2001 में हुआ है, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये पूरी पीढ़ी मोबाइल फोन लेकर पैदा हुई है, क्योंकि हम लोगों ने बिना मोबाइल का भी दिन देखा है और उसके बाद मोबाइल आया। लेकिन आज जो पीढ़ी पैदा हुई है और जो अब वोट डालने जाएगी वो मोबाइल लेकर पैदा हुई है। और मैं आज जब समाज के विषय पर चिंता एक जाहिर कर रहा था एक मित्र से, रुपेश नाम है उनका और वो आपकी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे जब बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही, द्विवेदी साहब, बहुत अच्छी बात कही कि हमारा एक जानने वाला एक लड़का है, वो कहता है कि जो तितली ऐसे उड़ रही है उसका वो जो है भद्दी दिखती है और मोबाइल पे जो तितली है ना वो ज़्यादा बढ़िया और रंगीन दिखती है। तो मैंने कहा कि ये जो फर्क है या ये आभासी दुनिया का कौन सा मिजाज लेकर सामने दिख रहा है कि वो उसको नेचुरल तितली, वो कहता है कि वो भद्दी दिखती है और आभासी दुनिया की तितली ज्यादा खूबसूरत दिखती है। और ये नुक्ता वहीं पर फंसा हुआ है द्विवेदी साहब, कि इस नुक्ते को राजनीतिक दलों ने समझ लिया है। राजनीतिक दल के तीन दलों के प्रवक्ता हैं और मैं ये मानता हूं कि ये नागरिक हैं और हमारे डिबेट में शामिल हैं एक नागरिक की हैसियत से। अब आप ये सोचिए कि राजनीतिक दलों ने इस नुक्ते को समझ लिया है, इसीलिए आप पाएंगे कि एक नमो ऐप तो कांग्रेस की भी तरफ से ऐप और सपा की तरफ से ऐप, सब लोग ऐप कर रहे हैं ताकि वो जो मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो और युवा पीढ़ी जो है वो उसी ऐप में फंस कर रह जाए।
या आभासी दुनिया में फंसाने का जो एक षड्यंत्र है, इससे जमीनी राजनीति कहां चली जाएगी? ये जो स्पर्श की राजनीति है, यह जो जमीन पर जुड़ने की जो राजनीति है, यह राजनीति, इसका भविष्य मुझको अजीब तरह से विलुप्त होता हुआ दिखता है। और मैं चाहूंगा कि इसमें द्विवेदी साहब, आपको सबसे पहले आपके विचार सुनूं। और हमारी चिंता भी है, तकलीफ भी है कि जो बच्चों को, एक तो 70 साल की आज़ादी में जिन भी राजनीतिक दलों ने शासन किया और जो भी राजनीतिक दल हमारे अभिभावक की तरह आए, उन्होंने अभिभावक की भूमिका अदा नहीं की। उनको जो मास को एक डेमोक्रेसी की जो शिक्षा देनी चाहिए थी, लोकतंत्र की शिक्षा देनी चाहिए थी, वो शिक्षण प्रशिक्षण तो हुआ नहीं। और अब जब ये एक नया दौर, जो आभासी दुनिया का जो दौर आया है, तो ये जो है, ये सोचना क्या उनका धर्म नहीं, कर्तव्य नहीं कि वो नई पीढ़ी को डेमोक्रेसी के बारे में बताएं, जमीनी हकीकत के बारे में बताएं, किसानों की आत्महत्या के बारे में बताएं? हमारी जो तमाम जो सरोकार हैं हमारे, उनके बारे में बताएं? तो वो आभासी दुनिया में टहला रहे हैं। उनको, द्विवेदी साहब, आपको सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आपने जो विषय रखा है, ये मैं समझता हूँ कि इस चैनल के अलावा अन्य का अभी इस दिशा में सोच नहीं गया है, और आने वाली पीढ़ी के लिए और भविष्य के लिए ये लोकतंत्र जिस दिशा में जा रहा है, वो बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है नई पीढ़ी की दृष्टि। जो आवश्यकता है और जो टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी को नकार नहीं सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही परिप्रेक्ष्य में उपयोग करने के लिए जो हमारे संवैधानिक, जिसमें कि लोकतंत्र की आस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र का कार्य है, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स दिए गए, वो हैं संविधान के नीति निर्देशक तत्व। और उससे पुरानी पीढ़ी भी अनभिज्ञ है और नई पीढ़ी भी अनभिज्ञ है, और इसको अनभिज्ञ रखना चाहते हैं। और ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक विज्ञापन की दुनिया के माध्यम से, और इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, और एक वोटर को एक अलग दिशा में ले जाने का काम सभी राजनीतिक पार्टी कर रही हैं, और जिसके लिए आने वाले समय में लोकतंत्र एक बहुत बड़ा खतरा होगा। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। माफी चाहता हूं, इस पर सब लोगों की दो दो मिनट की एक केंद्रीय राय आ जाए, और उसके बाद डिबेट को हम लोग ओपन करके ठीक आते हैं। ठीक, अरविंद जी, आपका क्या कहना है? देखिए, जो यह आज डिबेट का पॉइंट है, तो अब हम अपने युग से देखें, जिस युग में आज मैं चल रहा हूं, तो मुझे लगा कि जैसे मैंने भी कई बार अपने पार्टी में, एक प्रवक्ता के रूप में बताऊं आपको, कि मुझे भी लगा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फोटो के नाम पे बहुत दूर होते हैं, जबकि दूसरे दल जो लोग सेल्फी खिंचाते हैं या हाथ मिलाते हुए, ऐसे देखे होंगे पिक्चर लोगों ने खिंचा ली, और वह उन्हीं के विचारों पे चलने लगते हैं, उसी दल में कार्य करने लगते हैं। तो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बार कहा कि अध्यक्ष जी, मैं भी आपके पास फोटो ही खिंचाने आया था, और आपके विचारों में ओतपोत होकर के आपके साथ जुड़ गया। और यह रियल है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास फोटो ही खिंचाने गया था, इस पर्पज से गया था, सेल्फी के लिए नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ, इस पर्पज से मैं गया था कि गोरखपुर का एक जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड का, वह फोटो खिंचा के चला गया। मैं उस समय प्रदेश सचिव था, मुझे लगा कि जिला अध्यक्ष फोटो खींचा के चला गया और मैं नहीं खींचा पाया। मैं भी गया फोटो खींचाने के लिए, लेकिन उनके विचारों में आकर के उनके साथ हो लिए। तो जो इस युग का मैंने देखा, तो अब आगे मैं और सारी चीजें इस पे बताऊंगा, जो अब मैंने अध्ययन किया इस पे और देखा है, जिस तरीके की घटनाएं कि किस तरीके से नहीं, ये एक अनुभव आपका आया। अरविंद जी, मैं अभी दखल दे रहा हूँ, और जल्दी जल्दी दो दो मिनट की राय आ जाए। सदफ, आप जो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा जो है, ये गंभीर है, आप समझ ही रही हैं। तो इस पर जो हम लोग वर्चुअल जो धरातल बना रहे हैं, तो असली जमीन कहाँ चली जा रही है? देखिए, एक तो जो क्या हुआ है कि सोशल मीडिया में एक जो, देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ये है कि एक मास कनेक्ट बहुत अच्छा हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं कि आप, लेकिन कुछ चीज़ें ये भी हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नहीं,
ये तमाम तरह की चीज़ों के लिए ये एज अ वाइस निकल के आ रहा है, नुकसानदेह भी आ रहा है। किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, ये स्क्रीनशॉट की दुनिया है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग की दुनिया है, ये लाइव की दुनिया है ना। तो जो पार्टी के कार्यालयों में क्या पहले मार पिटाई नहीं होती थी? होती थी, लेकिन आज वो जग जाहिर जग हसाई का पात्र हो गई है। वो सारी चीज़ें जो अंदर थी वो अब निकल के बाहर आ गई हैं। हम ये सोचने लगे हम जितना खुल के, जितने ग्रोस, जितने भद्दे तरीके से चीज़ों को सामने लाएंगे उतना हमारा नाम हो जाएगा। आप देखें कि लोग मार पिटाई कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं। ये वर्चुअल दुनिया का ही तो असर है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अछूती रह सकती हैं जब पावर समटाइम्स टेंड्स टू करप्ट यू। तो वर्चुअल, हमें ये लगता है कि अगर हम इसको किसी भी एक, सपोज फॉर एग्जांपल गौरक्षकों का आप देख लीजिए, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं वो करना चाह रही हूँ, और गौरक्षकों की मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी का संरक्षण भी है, लेकिन गौरक्षकों को आप देख लीजिए कि जब वो वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो हमें, हम ये इस काम के लिए आपके काम आ सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं कि समाज को एक वर्चुअल दुनिया में रख रही हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो सामने भी, लेकिन ये भी है कि बहुत अच्छा प्रिंट मीडिया भी है, ज़मीनी हकीकत आपके सामने आ रही है, किसान लाइव कर रहे हैं, सोल्जर्स अपनी दाल में कितना पानी है और कितना पत्थर है लाइव करके बता रहा है आपको। तो ऐसा भी नहीं है कि जो बातें बहुत ढकी छुपी थी वो इस वर्चुअल दुनिया की वजह से सामने भी आ रही हैं। चलिए इस पर हम लोग आगे बहस को थोड़ा सा और विस्तारित करेंगे। नंदलाल जी आपके पास हूँ, ये जो जो आभासी दुनिया है और इसमें जो फंसाने का, युवा पीढ़ी को फंसाने का जो एक कुचक्र है, आप इसको क्या पाते हैं कि जो जो असली मुद्दे हैं उनसे बचने का और चेहरा छुपाने की साजिश तो नहीं है ये? बिल्कुल ये तो सही है कि ज़मीनी हकीकत तो एकदम विपरीत है। कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी भी पार्टी की बात बताता हूँ, आप देख लीजिए कोई भी जमीनी हकीकत पर कोई काम ही नहीं होता। भ्रष्टाचार कितना बड़ा हुआ, कहीं भी कोई बोलने के लिए तो भाषण तो बहुत देते हैं लोग, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, लेकिन सामने जो देखा जा रहा है वो कहीं भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अभी कल मैं चेयरमैन से बातचीत हुई थी, हमने उसको घोटाले का 1600 करोड़ का एक स्कैंडल दिया था कि ये है, और तुम्हारा व्यक्ति कैसे जो है वो डायरेक्टर बनता है ये हमने बताया, और आपने वो अग्निकांड भी कराएगा, सब कुछ कराएगा, और उसको जो है डायरेक्टर आप बना देंगे। क्यों बना दिया आपने, किसके कारण बनाया आपने? हाँ, ये आभासी दुनिया में चर्चा का विषय नहीं है, ये जो है ये बातें आभासी दुनिया पर नहीं आती। नहीं तो ये भद्दी तितली है। इस पर आते हैं पांडे जी, आपकी तरफ हूँ। देखिए मैं आदरणीय सर्वेश जी को भी सुन रहा था, आपका भी शुरुआती उद्बोधन सुना हूँ, और जहाँ तक मैं सामान्य बुद्धि का आदमी हूँ तो मुझे लगता है बात इतनी आसान नहीं, सुनिए ये बड़ा जो है आसान नहीं है जी। चूंकि अगर देखा जाए तो केवल राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं, जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले मीडिया हो, जुडिशरी हो, जो भी इंटेलेक्चुअल भारत के हैं, चूंकि बहुत कायदे से देखिए तो जिस लोकतंत्र की बात हम लोग करते हैं वो हमारी परंपरा नहीं रही, तमाम के बाद राजतंत्र ही हमारे विरासत में रहा, विक्रमादित्य रहे हो चाहे अकबर रहे हो, तो ये हमारे महान नेताओं को जाता है, चाहे वो दूसरे दल के रहे हो, नेहरू जी, दीनदयाल जी, लोहिया जी, इन लोगों की अनन्य लोकतंत्र में आस्था थी, और ये लोग केवल राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं किए, उन्होंने नई पीढ़ी को प्रशिक्षित किया, लोकतांत्रिक मूल्यों को समाज में स्थापित किया। अब ये जो मीडिया का जहां तक सवाल है तो देखिए मीडिया में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था, सोशल मीडिया जैसा ये हमारी बहन जाफर बता रही थी, कुछ पॉजिटिव भी पहलू, उन्हें पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो निगेटिव हुआ है वो खतरनाक है। चूंकि देखिए सोशल मीडिया रुचि संस्कार बनाता है, अगर वो उन बच्चों की अभिरुचि गंदी कर देगा तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी जब उसको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा तो लोकतंत्र की तो बात ही छोड़िए, हमारा समाज किस दुनिया में जाएगा। चूंकि इस देश में स्पिरिचुअलिटी में भीतर लोकतंत्र है, चूंकि हम किसी की अवहेलना नहीं करते, अत्याचार नहीं करते, और इसमें पूरी नफरत का बाजार है, आप सोशल मीडिया पे देखिए तो एक गजब सी सर्वश्रेष्ठता की ग्रंथि है, किसी दूसरे को बराबरी का कोई मतलब ही नहीं। तो ये जरूर है कि अब ये चूंकि मौलिक अधिकार भी है, अब आगे आने वाले समय में इस पे कोई रेगुलेटिंग सिस्टम बनता है, कैसे इसे नियमित किया जाता है कि कम से कम टीनेजर जो है, जो बाल मनोविज्ञान, ये बात आ गई पढ़ने की, मैं बीच में आ रहा हूँ, आपकी केंद्रीय बात आ गई है जी, और बहुत सारी बातें आपने आपने कही है, कुछ तो
जो ये बात सही है कि केवल अकेले, इस डिबेट का ये मुद्दा भी नहीं है कि हम अकेले किसी राजनीतिक दल को उसके लिए जिम्मेदार ठहराएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए जो मीडिया, ये एक कुचक्र है, बिल्कुल ये बाजार का कुचक्र है जिसमें राजनीतिक दल, मीडिया के लोग, तमाम जो भी उसके हिस्सेदार हैं वो सब शरीक हैं इस षड्यंत्र में। इसलिए जो मैं पहले डॉक्टर साहब के पास आता हूँ, डॉक्टर साहब की केंद्रीय राय सुनने के बाद फिर इस डिबेट को ओपन करते हैं, फिर हम लोग बातचीत पे उतरते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आप सबके विचार सुने। मैं चूंकि इसी विषय पे करीब 8-9 साल से काम कर रहा हूँ और आपने बुलाया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने दो पक्ष रखना चाहता हूँ। ये जो सोशल मीडिया ये जो भी है, ये सब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देन। जब भारत में या भारत के बाहर भी सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आई, तो सूचना प्रौद्योगिकी ने बहुत सारे अवसर दिए और समाज में काफ़ी प्रगति हुई, और हम भारत के निवासी और अन्य देशों के निवासियों ने ये समझा कि ये एक तरह से समाज की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, और भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के बहुत सारे अवसर लिए। इसके साथ जैसे मैम ने कहा, इसके दो पक्ष हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक, उसकी जो टेक्नोलॉजी के न्यूएंसेस हैं वो भी साथ में चलते हैं और उसके बेनिफिट्स भी साथ में चले। हुआ क्या, जो आपने बात रखी है वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में एक द्वंद है। मैं समाजशास्त्री हूँ पेशे से, इसलिए यही मेरा पढ़ना काम है, और लास्ट 10 ईयर से मैं इसी वर्चुअल सोशियोलॉजी का छात्र हूँ और प्राध्यापक हूँ, पढ़ाता हूँ, शोध कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ा द्वंद है वो ये रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच। दिस इज नॉट ओनली द पॉलिटिकल इशू और द पॉलिटिकल कंसर्न, ये हमारे लिए सामाजिक समस्या और सामाजिक चुनौती भी बन चुका है। और विश्व के जो विकसित और पूंजीपति देश हैं, पूंजीवादी देश हैं, जहाँ जहाँ पूंजी से नियंत्रण है, उन देशों में इसकी चुनौतियाँ बहुत गंभीर हो चुकी हैं, और राजनीति इसका एक बहुत बड़ा विक्टिम हो चुका है, राजनीतिक पार्टियां इसकी विक्टिम हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के दौरान किस तरह से सोशल मीडिया और ट्विटर का इस्तेमाल और दुरुपयोग हुआ, इलेक्शन के बाद सामने आया। KGB और रशिया के ऊपर ब्लेम किया गया कि रशिया ने अमेरिका के इलेक्शन को ट्विटर और फेसबुक के थ्रू डिस्टर्ब किया या मैनुपलेट किया। काफी विवाद हुआ, अभी भी विवाद चल रहा है। भारतवर्ष में भी आप एक पुस्तक अगर मिल जाएगा आप लोगों को, पढ़िएगा, एंटी सोशल मीडिया के नाम से अमेरिका में प्रकाशित हुई 2018 की पुस्तक है, उसमें एक बहुत बड़ा शोध है। उसमें ये सामने आया कि कैसे फेसबुक और ट्विटर हमारी ओपिनियन को बदलता है, और कौन बदल रहा है, फेसबुक और ट्विटर में कौन है, वो पूंजीवादी ताकतें हैं। जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो देश के लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रक हो चुकी हैं, और अभी राजनीतिक दलों को इसका आभास नहीं, खासतौर से भारत में। मैं समाजशास्त्री होने के नाते एक बहुत बड़ी चुनौती आपके समक्ष रखता हूँ। युवा वर्ग और बच्चा सबसे ज्यादा क्यों प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी के साथ प्रवेश करता है समाज में, और आपको पता है कि उसके सामने एक रियल वर्ल्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्ल्ड, जहां वो अपने घर में भी बैठे व्हाट्सएप पे अन्य लोगों से कनेक्ट है, और ट्विटर पे सोशल मीडिया के थ्रू, और वहीं अपनी माँ और पिता, माँ पिता को वो अपने पैर छू के आशीर्वाद नहीं मांग रहा, लेकिन बगल में या किसी 500 किलोमीटर में बैठी हुई एक आंटी को फूल का गुच्छा देख रहा है, और वो ये सोच रहा है कि वो ज़्यादा क्लोज है, उसके से हम ज़्यादा कनेक्ट हैं। आप, मैं युवाओं का शोधार्थी हूँ, मैंने देखा कि यूथ जो है ये काउंट करता है कि मेरे 2000 या 1000 या 1500 फेसबुक फ्रेंड हैं, कोई कहता है 500 फ्रेंड, वो पर डे लाइक्स, आपको पता है फेसबुक के ऊपर ये लाइक्स और डिसलाइक की काउंटिंग कौन कर रहा है? फेसबुक का जो इंटेलिजेंस मॉनिटर है वो आपके फेसबुक के, जिसको जैसे आपके पास फेसबुक आता है, आप उसमें स्क्रॉल करते हैं, आप किसी न्यूज को क्लिक करते हैं, वैसी ही न्यूज अपने आप दोबारा पॉप इन करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनका जो इंटरनेट का जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस बैठी है, वो ये देख रही है कि इस व्यूअर को, इस वॉचर को इस तरह की न्यूज पसंद है, तो वो आपको मैनिपुलेट कर रही है। एक मिनट के लिए बीच में इंटरप्ट कर रहा, मैं पूरा सेंटेंस कर दूं। ये फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया का एंटी सोशल मीडिया
एक फेज शुरू हो चुका है। अब भारतवर्ष के राजनीतिक दलों को इसमें समझना होगा और भारतवर्ष की जनता को भी मैं सर यहीं पर आप... और मैं आपको इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने इनिशिएट किया। नहीं, इस बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और लेकिन एक दो चीजें जो है हम लोग थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे आगे बातचीत में। और मैं द्विवेदी साहब आपके पास आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। एक दो जगह मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सहमत नहीं हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ विक्टिम हैं। राजनीतिक पार्टियाँ इतनी इनोसेंट नहीं हैं कि वो विक्टिम हैं। वो राजनीतिक पार्टियाँ बहुत ही कायदे से स्टडी करती हैं ना और पूरी मेथोडोलॉजी को समझते हुए उसका इस्तेमाल करती हैं अपने पक्ष में। और इसीलिए राजनीतिक पार्टियों को एक कर रही है दूसरी वाली जिसके अगेंस्ट वो तो विक्टिम हो गया ना। वो कहीं ना कहीं वो तो पॉलिटिक्स जो है, तो रेस है डॉक्टर साहब, वो तो रेस है। नहीं, विक्टिम इस रेस में कोई ना कोई तो आगे जाएगा, कोई ना कोई पीछे है। जितना जल्दी खत्म हुई आम आदमी पार्टी, उसको आप क्या कहेंगे? अगर आभासी दुनिया नहीं हकीकत की दुनिया होती तो भारतीय राजनीति इतना जल्दी कोई खत्म नहीं होता। मैं द्विवेदी साहब के पास आ रहा हूँ और मैं जो हूँ मैं बहुत ही हार्डकोर जर्नलिस्ट हूँ और हार्डकोर बात करता हूँ। टेक्नोलॉजीज की जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये ठीक बात है कि ये आईटी की टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जानकारी रखने वाले वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को मैं मास नहीं मानता। वो एक क्लास है। मैं मास की बात कर रहा हूँ और मास की बात करता हुआ जब ये आभासी दुनिया की बात करता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ नकली संसार और असली संसार के बीच। बिल्कुल, ये एक नकली संसार है जिस पे असली संसार नहीं दिखता, उस पे गन्ना किसानों की पीड़ा नहीं दिखती। कि भाई एक बड़ा मास है जिसको कि आपने वंचित रखा हुआ है। सदफ की बात को थोड़ा सा कोट करता हुआ कि सदफ ने कहा कि उसका एक अच्छा पक्ष भी है जिसमें बीएसएफ का एक सिपाही वो कहता है कि हमारा खाना खराब था और वो ठीक बात है। लेकिन इस अच्छाई का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं? जो पढ़ा लिखा, जिस डॉक्टर साहब ने जो बात कही, जो जानकार है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं बहुत ही मुद्दे की बात रख रहा हूं आप लोगों के सामने, जो जानकार हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ऊंचे ओहदे पर हैं, वो जो है शातिराना चुप्पी साधते हैं ऐसे ये सारे प्रोग्राम देख के। अगर टिटबिट्स भी अगर थोड़ा आता है, छोटा आता है, बोल रहा है उस पर आप देखेंगे, उस पर ट्रोल आर्मी हमला कर देती है ना पूरी। वो अकेला पड़ जाता है। हाँ। और उसके बाद का हश्र लोग नहीं जानते। उस बीएसएफ के सिपाही को पागल साबित कराया जाता है और लाइन हाजिर करा के उसको हटा दिया। उसका बेटा भी मर गया ना, उसका बेटा भी खत्म हो गया। मैं छोटा सा उदाहरण, सर मैं द्विवेदी साहब एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। द्विवेदी साहब, ये जो नकली संसार और असली संसार का जो फर्क खड़ा किया जा रहा है ये शातिराना एक षड्यंत्र है और इससे युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए, युवा पीढ़ी को जागृत कैसे किया जाए, उसको समझ में आए कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। मान्यवर, आपने जो जिस जिधर इंगित किया है ये दर्शन का विषय है। दर्शन के विषय में एक विषय है जो रियल में है वो दर्शन है, उसको शाश्वत सत्य कहा है, और ये कि आर्टिफिशियल है, जो दिखावा है, जो टेम्परेरी है, अस्थाई है, और उसको माया कहा है और वो उसका दर्शन है। तो आज जो है पूरे विश्व का जो वर्चुअल दर्शन है ये माया का दर्शन है, और उस माया के दर्शन को अगर रियल दर्शन पे नहीं ले जाया जाएगा तो ये आने वाली पीढ़ी थोड़े समय में पागल होगी और ये परिवार ही नहीं समाज को तोड़ेगी, और जो लोकतंत्र है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। लोकतंत्र में नीचे से आता है और जो एक तंत्र है वो ऊपर से आता है, और ये जो वर्चुअल है ये लोकतंत्र नहीं है, ये ऊपर का तंत्र है। पार्टी हेड होगा वो जो जैसा गाइड करेगा, जैसे नियुक्त करेंगे कर्मचारियों से, ये पूरे समाज को गुमराह करने का काम करेगा। ये सभी राजनीतिक पार्टी कर रही है और जितने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। मैं लौटता हूँ द्विवेदी साहब, अभी एक ब्रेक का छोटा सा समय है और जल्दी लौटते हैं, फिर हम लोग विचार में उतरते हैं।